सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण अपडेट में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप का एक न्यू अपडेट आया हुआ है 20.5। तो इस 20.5 में आप लोगों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में 5 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैमिली सर्वे को लेकर आया हुआ है। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में अब जितने भी लाभार्थी हैं उनका फैमिली सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है, साथ ही साथ 4 और महत्वपूर्ण अपडेट आई है। तो चलिए हम इन 5 अपडेट के बारे में आपको बारी बारी से समझाते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर का जो ऑप्शन है आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पोषण ट्रैकर लिख के सर्च कर लेना है। पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पे इस पोषण ट्रैकर ऐप को ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे और आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 20.5 का जो न्यू वर्जन है आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग 5 महत्वपूर्ण जो अपडेट आया है उसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो पहला अपडेट बता रहा है, फैमिली सर्वे मॉड्यूल इंट्रोड्यूस, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में एक अलग से आप लोगों के लिए फैमिली सर्वे का जो मॉड्यूल है वो ऐड किया गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है, हाइट एंड वेट वैलिडेशन हैज़ बीन अप्लाइड बेस्ड ऑन एज ऑफ द चाइल्ड, यानी कि अब जो आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे बच्चों का उसमें एज के अनुसार यानी उम्र के अनुसार वो वहाँ पे जो है उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाएगा, ठीक है। तीसरा अपडेट है, रेजिडेंट टाइप हैज़ बीन एडेड इन बेनिफिशरी प्रोफाइल, यानी कि जो बेनिफिशरी का प्रोफाइल है उसमें जो रेजिडेंट का ऑप्शन है वो ऐड किया गया है कि यानी जो लाभार्थी है वो कितने दिनों से अपने घर पर रह रहा है या बाहर रह रहा है उसका वहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स भरनी है। और चौथा जो अपडेट है वो यहाँ पे OBC और जनरल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम कैटेगरी एंड अदर और इज इंट्रोड्यूस, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो आप लोग देखते थे जो कैटेगरी थी OBC और जनरल की उसको हटा दिया गया है और उसके जगह पे यहाँ पे जो अदर का ऑप्शन है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 5वां जो अपडेट है वो ऐप ऑप्टिमाइजेशन आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम बैक करते हैं और बैक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप का ये जो न्यू वर्जन है उसको अपडेट जरूर कर लेंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ओपन वाले पे क्लिक करेंगे तो पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करके जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को होम स्क्रीन पे ही एक ऑप्शन को ऐड किया गया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली सर्वे। तो हम लोग को फैमिली सर्वे कैसे करना है तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फैमिली सर्वे वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू फैमिली सर्वे। उसके बाद नीचे यहाँ पे ब्लू कलर में आपको स्टार्ट बटन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है ऐड फैमिली। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन दिया जा रहा है, अलाइव और डेड। अलाइव मतलब होता है जीवित व्यक्ति, डेड मतलब होता है मृत व्यक्ति। तो हमें यहाँ पे अलाइव वाले पे क्लिक करना है। अलाइव वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन और खुल के आ जाएंगे। पहला है ऐड प्रोफाइल यूजिंग PT, दूसरा है क्रिएट न्यू प्रोफाइल। जैसे कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट वुमेन है उनका यहाँ पे नाम पहले से ऐड है तो यहाँ पे आप लोगों को उनका आधार वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में कितने जो माताएं हैं उनका नाम यहाँ पे ऐड है। तो अगर इनको आप लोग फैमिली हेड रखेंगे, जैसे कि सर्वे में क्या होता है कि एक व्यक्ति को फैमिली हेड रखना होता है, तो अगर आप लोग माता को फैमिली हेड रखेंगे तो यहाँ पर माता वाले कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम किसी एक लाभार्थी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इनका देख सकते हैं कि पहले से ही आधार और नाम यहाँ पर ऐड किया गया है। टूमेन लैक्टेटिंग मदर में हम लोगों ने पहले से ही जो आधार है इनका वेरीफाई कर रखा है तो यहाँ पे इनका जो फैमिली हेड डिटेल्स है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। इनका जो आप लोग लोकेशन विलेज और वार्ड का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। इनका LGD कोड जो है वो यहाँ पे भरा रहेगा, ठीक है। नीचे आपको आना है और कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर इनको फैमिली हेड रख रहे हैं तो यहाँ पर अगर ये SC और ST से हैं तो यहाँ पर SC और ST सिलेक्ट करेंगे, वरना यहाँ पर अदर पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको रिलीजन दिखाना है कि ये किस धर्म से आती हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एरो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी है वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदू पे हम क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है माइनॉरिटी इज़ द स्टेट, यानी कि माइनॉरिटी में आती हैं तो आप लोग यस कीजिएगा, यहाँ पर वरना नो रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पे है रेसिडेंट ऑफ दिस AWC एरिया, यानी कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र के एरिया में यहाँ पे ये आती हैं, तो यहाँ पे यस करना है वरना इसको नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यस करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है रिलेशनशिप विथ हेड फैमिली। जैसे कि आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन खुल के आएगा और वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आप जो भी हेड रखी है उनका यहाँ पे क्या रिलेशन है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अभी फ़िलहाल हम लोग इनको हेड रख रहे हैं तो इनका यहाँ पे सेल्फ यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंट मैरिटल स्टेटस, यानी कि ये शादीशुदा है या क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैरिड पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो शादीशुदा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैटरनिटी स्टेटस, यानी कि जो आप इनको हेड रख रही हैं तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में ये क्या है, ये प्रेग्नेंट वुमेन में है या लैक्टेटिंग मदर में है, वो आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे सेट कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछ रहा है वेदर वाइलिंग टू एवियल फॉलोइंग ICDS सर्विस सप्लीमेंट्री फूड, तो क्या इन्हें ICDS के द्वारा सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है। तो हाँ, ये प्रेग्नेंट वुमेन है, इनको यहाँ पे जो है कि सप्लीमेंट्री फूड ICDS के द्वारा जो दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ इतना सारा कुछ भरने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली यहां पे आपका सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे जो फैमिली हेड है उनका यहाँ पे एक कैटेगरी तैयार होके आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे इनका फैमिली हेड में जो नाम है वो यहाँ पे दिखाने लगा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऐड फैमिली मेंबर्स का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यानी कि अब इनको हम लोग फैमिली हेड बना चुके हैं तो इनके घर के जो भी सदस्य हैं उनका हम लोगों को बारी बारी से यहाँ पे जो भी सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पे ऐड करते चलना है। तो यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर में जो जो लोग हैं उनका यहाँ पे आधार, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उनके साथ क्या रिलेशन है वो दिखाना है, मैरिटल स्टेटस और ICDS से क्या उनको सप्लीमेंट वगैरह मिलता है, तो वो आप लोग को यहाँ पे भर के सबमिट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। ठीक है, ये आपका पहला अपडेट हो गया। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पे बच्चों वाली कैटेगरी में देखने को मिलेगा, यानी कि अब जब इन बच्चों का आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे तो इनके उम्र के अनुसार यहाँ पे जो है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाएगी। तो यहाँ पे हाइट वेट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आप लोग जब भी ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे तो इनका आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो भी लाभार्थी हैं, जो भी बच्चे हैं, उनका यहाँ पे उम्र के अनुसार ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा अपडेट है वो आप लोगों को यहीं पे देखने को मिल जाएगा। सभी बेनिफिशियरी में आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो ये बच्चा है या जो भी लाभार्थी हैं वो यहाँ पे जिस एड्रेस पे रह रहे हैं वो कितने सालों से रह रहे हैं, यानी कि वो परमानेंट यहीं पे रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे परमानेंट पे क्लिक करना है। अगर टेम्परेरी यहाँ पे रह रहे हैं तो टेम्परेरी वाले पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये जो अपडेट है आप लोगों का तीसरा अपडेट, जिसमें कि बोला जा रहा है कि जो भी बेनिफिशियरी हैं वो अपने एड्रेस पे कि परमानेंट रह रहे हैं या टेम्परेरी रह रहे हैं, इसका डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे भरने को मिलेगा। जब भी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे या प्रोफाइल अपडेट में जाएंगे तो ये ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा कि जो भी बेनिफिशियरी का हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे रह रहे हैं या टेम्परेरी यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा अपडेट हो गया। उसके बाद जो चौथा अपडेट है, जैसे कि जनरल और OBC का जो ऑप्शन है वो कैटेगरी में से हटा दिया गया है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले जनरल और OBC जो वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ SC और ST दो ऑप्शन दिया गया है, बाकी अगर कोई भी SC ST से अलग है तो यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन क्लिक करके आप लोग जो भी बेनिफिशरी हैं उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये 4 महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई थी। और पांचवा जो अपडेट है वो ऐप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऐप ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो छोटी मोटी बग को फिक्स करने के लिए आता है। इस प्रकार से इस पोषण ट्रैकर ऐप में 5 महत्वपूर्ण अपडेट आई थी, जिसके बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि ये अपडेट क्या क्या है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।